इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने टीआरएन को लेकर ही कहा है कि देश के गृहमंत्री अमित शाह इंदौर आ रहे हैं, यह गर्व की बात है। बहुत कम समय बचा है और टास्क बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता मिलकर इस योजना को भव्य बनाएंगे। 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता आने की उम्मीद है, जिसको लेकर ही तैयारी की जा रही है। शहरवासियों को कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव का आगाज कल होने वाला है, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी इंदौर पहुंच रहे हैं। उसकी तैयारियों को लेकर पूरा बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, लग चुके हैं और 72 घंटे का टास्क है। कैसे पूरा करेंगे इनसे जानते हैं। हमारे इस वक्त हमारे बीच मौजूद है इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी, उनसे पूछते हैं किस तरह तैयारियां की जा रही है। शंकर भैया, चूंकि 72 घंटे का समय है, बारिश का मौसम है, ऐसे में किस तरह से काम कर रहे हैं और कल का क्या प्लान है? देखिए, ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय गृह मंत्री जी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं और एक प्रकार से मध्य प्रदेश के चुनाव की शंखनाद इंदौर से हो रही है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, अच्छा वातावरण है और मुझे लगता है ये जगह हमने शहर की सबसे बड़ी जगह करी, ये भी छोटी पड़ने वाली है। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह रहेगा, इतने बड़े नेता हमारे बीच में आ रहे हैं और जो तैयारी हमारी लगभग पूरी होने जा रही है और इस संभाग के पूरे कार्यकर्ता इंदौर आएंगे और उसमें माननीय गृह मंत्री जी का जो मार्गदर्शन रहेगा, निश्चित तौर पे ये विजय के संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। कितने लोग आने की संभावना है और कैसी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि समय कल ही है और अभी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि जो हमने लक्ष्य तय करा था उससे ज्यादा आएंगे और जो जैसे मैंने कहा कि जो आप देख रहे हैं ये पूरा ग्राउंड कल लबालब भर जाएगा, इसके बाहर भी लोग रहेंगे, तो जितनी आशा है उससे आशा से ज्यादा कार्यकर्ता आएंगे। तो आपने देखा कि चूंकि चुनावी समय है, कार्यकर्ताओं में एक जोश का माहौल है, चूंकि आज पता चल गया क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आज कार्यकर्ता थे और हर काम के लिए, हर जवाबदारी के लिए अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई और अपनी अपनी जिम्मेदारी में लगे हुए हैं। और जैसा कि देखा जाए कि अभी चूंकि ज्यादा समय नहीं बचा है, कल ही कार्यक्रम होना है और यहाँ पर जो काम चल रहा है उसको लेकर पूरे नेता इकट्ठा है और चूंकि भाजपा के जो राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय, उनके हाथों में पूरी कमान है और सांसद मेयर और यहाँ के जो शहर अध्यक्ष हैं वो पूरी तरह से यहाँ की जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं।